शिवपुरी के पोहरी रोड स्थित वेदांता हॉस्पिटल के संचालक एस के बंसल सहित बेटे पर महिला थाने में 376 का मामला दर्ज हुआ है। पूर्व नर्स ने कराया पिता पुत्र पर मामला दर्ज। जानकारी के महिला थाना प्रभारी पूनम सविता ने बताया कि बीती रात्रि वेदांता हॉस्पिटल के संचालक एस के बंसल सहित पुत्र आदित्य बंसल पर महिला नर्स की शिकायत पर बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। महिला ने शिकायती आवेदन में महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ वेदांता हॉस्पिटल के संचालक एस के बंसल और छोटे और बेटी आदित्य बंसल ने उसके साथ मैनेजर की पोस्ट का लालच देकर उसके साथ बलात्कार किया। शिकायती आवेदन के बाद दोनों पर 376 का मामला दर्ज हुआ। पूर्व में वेदांता हॉस्पिटल के संचालक एस के बंसल की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने किया था ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज। ये था मामला। शिवपुरी के वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मालिक से 11 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया था। उनकी हॉस्पिटल में काम कर चुकी नर्स ने ब्लैकमेल करते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। नर्स ने पहले उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाया और जब डॉक्टरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद नर्स ने बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए। कुछ दिन बाद उसने नौकरी पर वापस रखने और प्लॉट और 10 लाख रुपए की और डिमांड कर दी। ब्लैकमेलिंग से परेशान डॉक्टर और उसके बेटे ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नर्स और उसका साथ देने वाले आरोपी को पकड़कर 5 लाख का चेक और 4 लाख रुपए बरामद कर लिए है। यहाँ पे एक स्टाफ पहले काम करता था और उनका ऐसा बताना है महिला का कि उनके साथ में इनके दुष्कर्म वगैरह किया गया था और धमकाया गया होगा रिपोर्ट करने के लिए, तो उसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उनकी गिरफ्तारी उठाई गई है? नहीं, अभी इसमें एक तथ्य ये भी आया है कि थोड़े दिनों पहले ही इसी महिला के विरुद्ध एक केस प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जिसमें वो पैसे इनसे मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उसमें वो लोग जेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि ऐसा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है और उस पर हमने केस रजिस्टर किया, विवेचना करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे।